हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू फाइव मीट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है, बिकॉज एक और चीज हम लोग फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सीखने जा रहे हैं। दो स्ट्रैटेजीज है दोस्तों जो बड़े काम आती हैं, उनको बोलते हैं मैपिंग स्ट्रैटेजीज। मैपिंग है मतलब कुछ ना कुछ तो मैप हो रहा होगा। क्या मैप हो रहा है? तो जो दोस्तों हमारे फाइल्स है, ऑब्वियसली आपको पता है डेटाबेस में कई सारे फाइल्स होते हैं, फाइल्स इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। तो फाइल के अंदर के जो रिकॉर्ड्स हैं, व्हेन आई हैव टू मैप दीज रिकॉर्ड्स ऑन टू द ब्लॉक्स ऑफ द डिस्क, तो फिर ये जो मैपिंग करनी है हमें रिकॉर्ड्स टू द ब्लॉक्स, ये जो मैपिंग करनी है, इस मैपिंग के लिए हम लोग दो स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं। जो पहली वाली स्ट्रैटेजी वो है स्पैंड मैपिंग स्ट्रैटेजी, और जो दूसरी वाली है वो है अनस्पैंड मैपिंग स्ट्रैटेजीज। अभी इनमें फर्क क्या है, इनके फायदे क्या है, इनके नुकसान क्या है, इनका बिहेवियर क्या है, वो समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, ज्यादा कुछ थ्योरी पॉइंट ज्यादा दिख नहीं रहे, सिर्फ प्योर एग्जाम्पल और मेरा एक्सप्लेनेशन, दैट्स इट। काफी आसान होगा। ये मेरे पास एक फाइल है, समझ लो This is a F1, ये मेरा फाइल है F1। इसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं? 5 रिकॉर्ड है। हर रिकॉर्ड की साइज मान लो 40 बाइट्स है, जस्ट अज्यूम इट, बराबर। हर रिकॉर्ड की साइज कितनी है? 40 बाइट्स है। और यहां पे मेरे ये ब्लॉक्स हैं ऑन द डिस्क, बराबर। दीज आर द ब्लॉक्स ऑन द डिस्क, ब्लॉक नंबर B1, ब्लॉक नंबर B2, करेक्ट। अब यहां पे हर एक ब्लॉक की साइज मान लो 100 बाइट्स है, कितनी है? 100 बाइट्स हर एक ब्लॉक की मेरे साइज है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मैप ये जो रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं अपने को फाइल के, हमें उन्हें उस ब्लॉक पे मैप करना है। सिंपली हम लोगों को इन रिकॉर्ड्स को उन ब्लॉक्स पे मैप करना है। अब देखते हैं इन स्ट्रैटेजीज का बिहेवियर। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट स्पैंड, ओके। तो मेरा जो पहला वाला ब्लॉक है वो 40 बाइट का है, ब्लॉक नंबर 1 में 100 बाइट की जगह है, तो ये आराम से जाके बैठ जाएगा बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस, बैठ गया। सेकेंड रिकॉर्ड जाएगा, बैठ जाएगा, क्यों? 100 माइनस 40, 60 बाइट की अभी भी जगह बची हुई, तो ये 40 बाइट कंज्यूम करेगा, तो ये आराम से जाके बैठ सकता है। अब बची यहाँ पे कितना भैया? 20 बाइट की जगह ब्लॉक नंबर 1 में। और जो थर्ड रिकॉर्ड है उसकी साइज कितनी है? 40 बाइट्स। अब यहाँ पे मजा आएगा देखने में, जगह है ब्लॉक नंबर 1 में सिर्फ 20 बाइट की, रिकॉर्ड की साइज जो हमें मैप करनी है ब्लॉक नंबर 1 में उसकी साइज है 40 बाइट्स, यानी डबल। तो यहाँ पे स्पैंड मैपिंग स्ट्रैटेजी अलाउ करता है कि आप उस रिकॉर्ड का पार्शियल पार्ट लोड कर सकते हो इन वन ब्लॉक, एंड बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट आप लोड कर सकते हो इन द नेक्स्ट ब्लॉक। ये था स्पैंड मैपिंग। क्या कहा मैंने? इस पूरे रिकॉर्ड का जो पार्शियल पार्ट है, जितना आप यहां पे ऑक्यूपाई कर सकते हो इस फ्री स्पेस में, उतना जो पार्ट है इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का, वो मैं यहां पे लोड कर सकता हूं B1 रिकॉर्ड में। यानी कि अब यहां पे सिर्फ 20 बाइट की जगह है, तो मैं सिर्फ थर्ड रिकॉर्ड का सिर्फ जो 20 वाला बाइट है, 20 बाइट, वो उठा के यहां पे रख दूंगा उस फ्री स्पेस में। और फिर जो बचा हुआ 20 बाइट रहेगा इस रिकॉर्ड का, थर्ड रिकॉर्ड का, वो फिर मैं नेक्स्ट कंटिन्यूअस ब्लॉक B2 में यहां पे स्टोर कर दूंगा। सो यू कैन सी ए लिंक इन दिस। पहला पोर्शन, फर्स्ट 20 बाइट पोर्शन इज इन द ब्लॉक B1 फ्री स्पेस, और फिर दूसरा यहां पे आपको देख सकते हो यहां पे कंटिन्यूअस मैनर में नेक्स्ट ब्लॉक में लेके ना, नेक्स्ट ब्लॉक में यहां पे लोडेड हो गया आपका ब्लॉक 3। तो अभी ये ब्लॉक 3, रिकॉर्ड 3 पूरी तरीके से लोड हो चुका है आपके इन ब्लॉक्स में। अभी आते हैं फोर्थ के ऊपर। फोर्थ कितना है? 40 बाइट्स का है। अभी भी यहां पे 80 बाइट की जगह बची हुई है B2 में, आफ्टर ऑक्यूपाइंग दिस 20 बाइट्स ऑफ रिकॉर्ड 3। तो मैं आसानी से इसको लोड कर सकता हूं। अभी भी 40 बाइट बचा हुआ है और इसका तो साइज 40 बाइट ही है, तो फिर भैया यहाँ पे 40 बाइट आ गया और बैठ गया B2 में। तो मैंने पूरे जो रिकॉर्ड थे फाइल के उनको मैप अप कर दिया ऑनटू द ब्लॉक्स ऑफ द डिस्क। यहाँ पे सिर्फ दोस्तों फायदा क्या है इस स्ट्रैटेजी का, वो ये है कि यहाँ पे जो आपके अनयूज्ड स्पेस है ब्लॉक में, वो वेस्ट नहीं हो रही। सो देर इज नो वेस्टेज ऑफ मेमोरी, बराबर। देर इज नो वेस्टेज ऑफ स्पेस, देर इज नो वेस्टेज ऑफ मेमोरी। आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, आप उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हो इस स्ट्रैटेजी में, बराबर। लेकिन फिर वहीं पे एक डिसएडवांटेज भी है, नुकसान भी है, कि अगर मान लीजिए मुझे किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को एक्सेस करना है, आई हैव टू एक्सेस अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड ऑन द डिस्क फ्रॉम दीज ब्लॉक्स, तो फिर नॉर्मली मुझे सिर्फ एक एक्सेस की जरूरत होती है। आई हैव टू जस्ट गो टू दैट ब्लॉक विच कंसिस्ट ऑफ द रिकॉर्ड, मुझे सिर्फ उस पर्टिकुलर ब्लॉक को एक्सेस करना पड़ता है जिसमें वो रिकॉर्ड मौजूद है, दैट्स इट। एक ही एक्सेस की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस नेचर, अलाउिंग द पार्शियल रिकॉर्ड टू बी स्टोर्ड इन वन ब्लॉक एंड रिमेनिंग ऑन द अदर ब्लॉक, इसकी वजह से क्या होता है, यू नीड मोर देन वन एक्सेस, ज्यादा एक्सेस आपको करना पड़ता है। मतलब सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ जाना पड़ेगा, वो यहाँ से पार्शियल पार्ट ऑफ रिकॉर्ड 3 उठाना पड़ेगा, उसके बाद
बाद इस लिंक को फॉलो करके आपको यहां पे आना पड़ेगा, यानी दो ब्लॉक्स को एक्सेस करना पड़ रहा है। इनिशियली नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में एक ही ब्लॉक को एक्सेस करना पड़ता है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस स्पैन मैपिंग आपको दो दो ब्लॉक्स को यहां पे एक्सेस करना पड़ रहा है। सो यहां पे एक्सेस बढ़ गया है नंबर ऑफ ब्लॉक्स का, लेकिन जो आपका वेस्टेज ऑफ मेमोरी है वो यहां पे कम हो गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब आ जाते हैं भैया अनस्पैन मैपिंग के ऊपर। अनस्पैन मैपिंग के ऊपर जब मैं यहां पे आ रहा हूं तो यहां पे भी मेरी वो सेम ही फाइल है। अब इसको क्या हो गया, अच्छा ये मेरी फाइल है, वही फाइल है। अब ये इस फाइल के अंदर भैया 5 रिकॉर्ड है, वही सेम चीज, हर एक रिकॉर्ड की साइज 40 बिट है। यहाँ पे जो मेरे ब्लॉक्स हैं उनकी भी साइज भैया 100 बाइट है, बराबर है। तो ये 40 बाइट का और हर एक ब्लॉक आपका 100 बाइट्स का। इन रिकॉर्ड्स को मैपअप करना है, कैसे करूंगा? फर्स्ट वाला रिकॉर्ड चला गया यहाँ पे, इसने 40 बाइट ऑक्यूपाई कर दिए, बचा कितना 60 बाइट ऑफ B1, समझ में आ गया। उसके बाद वो सेकंड वाला भी जाके बैठ सकता है बिकॉज स्पेस अवेलेबल है, तो वो बैठ गया, लेकिन यहाँ पे जगह बच गई है 20 बाइट की, जो कि यहाँ पे भी पहले बची थी, लेकिन हमने पार्शियल रिकॉर्ड को अलाउ किया था टू बी गेटिंग लोडेड इन टू B1, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, वी डोंट अलाउ द थर्ड रिकॉर्ड टू बी गेट पार्शियली लोडेड इन टू दिस रिमेनिंग स्पेस ऑफ B1। हम ऐसा नहीं करते, हम बोलते भाई जगह वेस्ट होती तो होने दे, अपने को कुछ लेना देना नहीं, लेकिन ये वाला जो ब्लॉक है ये स्पेसिफिकली फुल्ली लोड होगा, पार्शियली लोड नहीं होगा, फुल्ली मैप होगा, फुल्ली लोड होगा इनटू दैट रिस्पेक्टिव ब्लॉक। तो हम लोग ये 20 बाइट छोड़ देते हैं और इस वाले थर्ड ब्लॉक को हम लोग डायरेक्टली यहां पे लोड करते हैं 40 बाइट, करेक्ट और नॉट आगे देखते हैं। ये हो गया लोड पूरा का पूरा, तो बचा कितना 60 बाइट, उसमें अपना फोर्थ ब्लॉक आ सकता है बिकॉज 40 बाइट उसकी साइज है। बचा कितना वापस से लोड होने के बाद फोर्थ रिकॉर्ड, 20 bytes of block 2 is remaining। वापस से अभी आपका फिफ्थ रिकॉर्ड आ गया, अभी फिफ्थ रिकॉर्ड कितने बाइट का है, 40 बाइट का है। अवेलेबल कितना है वहाँ पे फ्री स्पेस, 20 बाइट। ना बाबा, अनस्पैंड बोलता है पार्शियल्स है, मुझे नहीं खेलना, मुझे फुल्ली लोड करना है, फुल्ली मैप करना है। तो ये रिकॉर्ड फिर मैं आखिरकार अगले ब्लॉक B3 में जाता हूँ और वहाँ पे जो उसका अवेलेबल स्पेस है वहाँ पे लोड करता हूँ। इस तरीके से मैंने ये जो मैपिंग है ये की है अनस्पैंड मैपिंग में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रैटेजी। इसके फायदे और नुकसान क्या है? फायदा बड़ा ईजी है, बिकॉज आपका पूरा का पूरा फुल्ली आपका एक रिकॉर्ड एक ही ब्लॉक में मौजूद है, इसीलिए आपको एक एक्सेस करने की जरूरत पड़ेगी। यू हैव टू जस्ट एक्सेस अ पर्टिकुलर ब्लॉक इन विच दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड इज प्रेजेंट। तो यहां पे आपको ज्यादा ब्लॉक्स को एक्सेस करने की जरूरत पड़ रही थी, यहां पे आपको कम ब्लॉक्स को एक्सेस करने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन दूसरा जो उसका नेगेटिव पॉइंट है अनस्पैंड मैपिंग का, वो ये है कि भैया अभी यहां पे आपका जो मेमोरी है, जो स्पेस आप देख पा रहे हो मेमोरी स्पेस, वो वेस्ट हो रहा है। ये यूजलेस पार्ट है ना, दिस इज यूजलेस पार्ट, यहाँ पे अभी कुछ नहीं हो सकता, करेक्ट और नॉट? तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं हो सकता, सो मेमोरी आपके यहाँ पे वेस्ट हो गई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज ऑफ दिस अनस्पैंड मैपिंग स्ट्रैटेजी। आई होप दोस्तों मैंने ये वीडियो में क्लियर कर दिया भैया, ये मैपिंग के जो दो स्ट्रैटेजीज हैं ये आप तक पहुँच गए, आपको समझ में आ गए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो ऑब्वियसली इसे लाइक कर दीजिए, और उससे भी ज़्यादा जरूरी इस वीडियो को अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स अलॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।